नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया पहले के दोनों पार्ट जरूर देखें। रानी ने देखा राजा पीले रंग की साड़ी ब्लाउज पहनकर फुल मेकअप में एक सुहागन औरत की तरह घरेलू काम निपटा के पूजा घर में जाके पूजा करके निकल रहा था। रानी को देखते ही राजा आगे बढ़ा और जैसा कि औरतें प्रसाद देने के लिए हाथ उठाती हैं, वैसे ही उसने अपने हाथ में एक लड्डू लिया और रानी की ओर बढ़ा दिया। रानी ने प्रसाद लेते हुए कहा, ये सब क्या है जी? आज संडे है, आज मैं फुल औरत की तरह रहना चाहती हूँ। कसम से मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगी। तुमने मुझे अब अपनी सहेली बना लिया है, घर के अंदर मुझे औरत के रूप में आनंद लेने दो। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम से निकली और जाकर आराम करने लगी। जब किसी औरत का पति ही साड़ी पहनकर औरत के रूप में रहने की चाहत करे तो बेचारी पत्नी क्या करे। आज शाम को रानी को एक मेकअप करने जाना था। उसने तय किया कि वो अकेले ही जाएगी, राजा औरत बन के उसके साथ नहीं जाएगा। राजा बेचारा दिन भर औरत बनकर सारे काम करता रहा। शाम 4 बजे वह फिर मेकअप करने बैठ गया कि उसे भी बाहर जाना होगा। यह देख के रानी बोली, जी नहीं, अब तुम औरत बनकर बाहर नहीं चलोगे, मैं ही अकेले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति एक औरत बन जाए। यह कह के रानी ने तैयारी शुरू कर दी और 10 मिनट में ही बाहर चली गई। राजा बेचारा नया सलवार सूट पहने बाहर जाने की हसरत लिए ही रह गया। रानी जब क्लाइंट के पास पहुंची तो क्लाइंट बोली, क्या बात है मैडम, आज अकेले ही? आपकी हेल्पर नहीं आई क्या? कहाँ गई? ये सुनकर रानी को अजीब सा लगा कि लोग औरत बने उसके पति को औरत मानकर उसका इंतजार कर रहे हैं। वह सोच कर बोली, कुछ बीमार है तो नहीं आ सकती, आगे से जरूर आएगी। रानी आज मेकअप कर रही थी पर राजा की कमी उसको खल रही थी। उसे बार बार बैग से कुछ सामान लेना पड़ रहा था। उसे ही सामान खोलना, निकालना और बार बार बैग बंद करना डिस्टर्ब कर रहा था। किसी तरीके से वो काम कर रही थी, समय ज़्यादा लग रहा था। रात के 11 बज गए थे। रानी के ना आने से राजा परेशान हो रहा था। उसने कई बार रानी को फ़ोन लगाया पर फ़ोन तो लगा ही नहीं। उसे पता भी नहीं था कि रानी कहाँ पर क्लाइंट के पास गई है। वो दरवाजे के पास टहल रहा था, मन बिल्कुल बेचैन था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ओह, ये तो किसी नए नंबर से किया गया फ़ोन था जिसे राजा ने कभी देखा नहीं था। हेलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, एक मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, नंबर उन्हीं के फ़ोन से निकाला गया है, यदि आप उनके रिलेटिव हैं तो जगत हॉस्पिटल आ जाइए। राजा ने कहा, जी मैं उनका पति हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। राजा ने तुरंत ATM लिया, स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़ा। जगत हॉस्पिटल शहर से बाहर था, स्कूटी पूरे रफ्तार से दौड़ रही थी। राजा तो चाह रहा था कि वो उड़कर रानी के पास पहुंच जाए। वह उसकी पत्नी थी और एक्सीडेंट की खबर उसे बेचैन कर रही थी। राजा ने जब पसीना पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तब उसे होश आया कि हड़बड़ाहट में वो कपड़े चेंज करना तो भूल ही गया है।
औरत के कपड़ों में वह फुल मेकअप के साथ है। अब तो घर जाने का भी समय नहीं था। उसने इसी औरत के गेटअप में हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। स्कूटी हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ी कर राजा रिसेप्शन पर पहुंचा और औरतों की आवाज़ में बोली, जी मुझे फ़ोन आया था कि रानी जी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उनकी भाभी हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि वो किस वार्ड में हैं। नर्स ने कहा, मैडम आप वार्ड नंबर 4 में जाइए। राजा ने रजिस्टर में अपना नाम राधिका लिखा। जब वह वार्ड में गई तो रानी सामने लेटी थी, सिर और हाथ पे पट्टियाँ बंधी थी, बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, आप सुबह तक वेट करें, इनको होश आ जाएगा। राजा ने देखा, काफ़ी चोट लगी थी रानी को। डॉक्टर ने सभी मर्दों को वार्ड से जाने के लिए कहा। महिला वार्ड में रात में महिला के साथ महिला ही रह सकती थी। राजा क्योंकि औरत बना हुआ था और एक्टिंग भी पूरी औरत की तरह कर रहा था, वो वहीं रह गया। रात में उसने ऑफिस में मैसेज लिखा कि वाइफ बीमार है, 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ सकेगा। सुबह सर ने छुट्टी मंजूर कर ली। 4 बजे ही राजा स्कूटी स्टार्ट करके घर आया। नहा धोकर फिर उसने एक औरत का मेकअप किया, साड़ी ब्लाउज पहना, लेडीज पर्स में पाउडर लिपस्टिक आदि रखा और एक हाउस वाइफ बनकर वह हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। रानी तो अभी तक बेहोश थी। 8 बजे डॉक्टर राउंड पर आए तो रानी को इंजेक्शन दिया जिससे वो होश में आ जाए। लगभग 10 मिनट में ही रानी को होश आ गया। आंखें खोलते ही उसने राजा को सुहागन औरत के रूप में देखा तो बोली, आप यहाँ इस रूप में? इससे पहले कि रानी कुछ कह पाती, औरत बने हुए राजा ने रानी को गले लगा लिया, जैसे कि दो औरतें गले मिलती हैं। फिर रानी ने कान में कहा, हाँ मैं भाभी हूँ तुम्हारी, भैया तुम्हारे बाहर गए थे सो मैं ही आ गई, पर घबराओ नहीं, पूरा ध्यान रखूँगी। वैसे भी औरत के वार्ड में औरत ही रह सकती है, सो भैया ने मुझे ही कहा। रानी को सिचुएशन समझ में आ रही थी, यहाँ राजा औरत बनकर ही साथ रह सकता है। वह राजा को बताने लगी कि कैसे उसे ऑटो ने टक्कर मारी और चला गया, जब वो सवारी का इंतजार कर रही थी। राजा बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रानी 4 दिन तक हॉस्पिटल में रही। राजा औरत के रूप में ही रानी की देखभाल करता रहा। वे 5वें दिन घर वापस आ गए। राजा ने कहा कि अब वो औरत नहीं बनेगा क्योंकि रानी यानी तुमको ये सब पसंद नहीं है और वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा। रानी ने कहा, जी नहीं, तुम औरत बनोगे पर केवल मेरे सामने, बाहर नहीं। मैं खुद तुम्हारा मेकअप करूंगी, वह साड़ी ज्वेलरी आदि पहनाऊंगी। इतना ही नहीं, जब तुम औरत के रूप में रहोगे तो मैं भी मर्दों के रूप में रहूंगी। राजा बोला, हाय हाय, क्या तुम मेरे साथ वही सब करोगी जो एक मर्द औरत के साथ करता है? हाय रे, मैं तो दर्द से मर ही जाऊंगी, राजा औरत की तरह बोला और फिर दोनों हंसने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी शानदार कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को शेयर करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कहानियाँ मेरी महिला दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।